अपनी आलोचनाओं पर पृथ्वी शाह ने तोड़ी चुप्पी, दिया जे करारा जवाब। नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह असफल रहने वाले युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शाह ने अपनी आलोचनाओं पर चुप्पी तोड़ी है। पृथ्वी शाह पहले डे नाइट टेस्ट में दोनों पारियों में बोल्ड हुए थे और कुल 4 रन ही बना सके थे। उनके इस प्रदर्शन को लेकर क्रिकेट फैंस से लेकर खेल विशेषज्ञ उनकी तकनीक आलोचना कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि दूसरे टेस्ट में पृथ्वी शाह की जगह शुभमन गिल को मौका दिया जा सकता है। आईपीएल 2020 से ही पृथ्वी शाह फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है। मुंबई के इस बल्लेबाज ने आज अपने इंस्टाग्राम स्टेटस में लिखा, अगर आप कोई काम करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आपको हतोत्साहित करता है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। पृथ्वी शाह अंदर आती गेंदों पर परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनकी हाई बैक लिफ्ट की वजह से अक्सर पैड और बल्ले के बीच कुछ जगह बच जा रही है, जहां गेंदबाज उन्हें निशाना बना रहे हैं। एडिलेड ओवल की पिच पर शाह दोनों पारियों में बोल्ड हुए। भारत ने इस टेस्ट मैच में केएल राहुल और शुभमन गिल पर पृथ्वी शाह को तरजीह दी। शाह पहली पारी में बिना खाता खोले ही मिचेल स्टार्क की गेंद पर बोल्ड हो गए। दूसरी पारी में भी वह पैट कमिंस की अंदर आती हुई गेंद पर चकमा खा गए। पृथ्वी शाह दोनों पारियों में सिर्फ 6 गेंदों का सामना कर पाए। आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शाह ने धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन वह फिर फ्लॉप हो गए। कुछ मैचों में टीम प्रबंधन ने उन्हें बाहर भी बैठा दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में भी पृथ्वी शाह का बल्ला खामोश रहा। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए 26 दिसंबर से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को मौका मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।